हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो एम्बेड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो मेनली जो फोकस हमारा रहेगा आज की एग्जांपल के अंदर वो रहेगा कि किस तरीके से हमने यूआई सर्च कंट्रोलर को यूआई कलेक्शन व्यू के साथ जो है वो यूज़ करना है, ताकि हम कलेक्शन व्यू के अंदर जो डेटा है उसको फिल्टर कर पाएँ और उसमें डेटा जो है वो सर्च करवा पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, और इसमें मैंने कलेक्शन व्यू को यूज़ किया है, और साथ में ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्च बार मैंने प्रोवाइड की है। ये बेसिकली UI सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो एम्बेड की गई है। और अगर मैं यहाँ पे कोई एक एक्ट्रेस का जो नेम है वो सर्च करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं आलिया भट्ट मैंने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की है, और एक मेरे पास जो यहाँ पे इमेज है या कह सकते हो एक सेल जो है कलेक्शन व्यू में सर्च होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे ओनली एस लिखता हूँ, तो यहाँ जहाँ भी एक्ट्रेस के नेम के अंदर एस होगा वो वाली सारी जो इमेजेस हैं, जो सारे के सारा डेटा है वो यहाँ पे फिल्टर हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एस ए कर देता हूँ, तब मेरे पास दो यहाँ पे एक्ट्रेसेस के जो नेम्स हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं ओनली सारा करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही एक्ट्रेस का जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाता है। तो इस तरीके से हम फिल्टर जो है वो डेटा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊं, तो मैंने एक ऑप्शन और यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे सर्च बटन की जगह पे डन बटन को जो है वो यूज़ किया है। और अगर मैं यहाँ पे एस ओ लिखता हूँ और डन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास डेटा जो है वो फिल्टर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, इस तरीके से हम जो है बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा है उसको फिल्टर करवा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो थ्रेटिकल ओवरव्यू है वो बता देता हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स मैंने इस एग्जांपल के अंदर जो है वो यूज़ की हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास बेसिकली है क्या। तो ये iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग जो कि पहले से मौजूद है व्यू कंट्रोलर, उसके अंदर जो है आप सर्च इंटरफेस जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहने का मतलब सर्च की फैसिलिटी जो है उसमें डाल सकते हैं। तो UI सर्च कंट्रोलर क्लास के साथ हमें बिल्ट इन एक और क्लास प्रोवाइड की जाती है, जो कि है UI सर्च बार, जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है वो डेटा को सॉर्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, सर्च करने के लिए जो है कोई भी टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकता है। तो जो सर्च कंट्रोलर है वो बेसिकली उसके साथ डेलीगेट्स भी होंगे और प्रोटोकॉल्स भी होंगे। हम उन प्रोटोकॉल्स और डेलीगेट्स को यूज़ करेंगे, और साथ में उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपडेट सर्च रिजल्ट्स, तो एक ऐसा मेथड है जो यूआई सर्च कंट्रोलर के प्रोटोकॉल के साथ हमें अवेलेबल होता है, जो तब तक एग्जीक्यूट होगा जैसे जैसे हम डेटा को सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये वाला जो अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का जो मेथड है, ये बार बार जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही होगी कि डेटा को फिल्टर करके कलेक्शन व्यू के अंदर पर्टिकुलर सर्च्ड डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना। तो सारी कोडिंग जो है वो हम बड़े इजी और सिंपल वे के साथ करेंगे। और चलिए, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये वाली एग्जांपल हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत से जो है वो शुरू करेंगे, ताकि आप ईजिली बिगनिंग लेवल पे भी इस एग्ज़ाम्पल को जो है वो ईजिली समझ पाएँ। तो एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारी
एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर एक बार आपने ये एग्जांपल सीख ली तो फिर आप कभी भी जो है वो मार नहीं खाओगे। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर इनको एम्बेड करके आप जो है वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन जो है वो फील करोगे। तो चलिए यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप सिलेक्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली जो है वो नेम रख देता हूँ। अब आपने बाकी सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है अपने लैपटॉप के अंदर, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो लिख देता हूँ फोल्डर का नेम। इसे क्रिएट कर देते हैं इस फोल्डर को, और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा जो डेटा है वो स्टोर होगा। हमने प्रोजेक्ट पूरा इस फोल्डर के अंदर जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर, तो मैंने यहाँ पे जो वर्ज़न यूज़ किया है स्विफ्ट का वो है 5, और अगर बात करें एक्सकोड के वर्ज़न की तो मेरे पास है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्ज़न है तब भी इस एग्ज़ाम्पल को आप जो है वो ईज़िली डिवेल्प कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, किसी किस्म की दिक्कत प्रोग्रामिंग में आती है, तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे, वैसे तो हमारा शेड्यूल काफ़ी बिजी है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्वेरी का जो रिस्पॉन्स है वो जल्द से जल्द जो है वो आप तक पहुँचा पाएँ। अब इस एग्ज़ाम्पल को डिवेल्प करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो रिसोर्सेज हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मैंने एक्ट्रेसेस की जो इमेजेस हैं वो यूज़ की हैं इस एग्ज़ाम्पल के अंदर, वो आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो इस असेस्ड फोल्डर के अंदर आपके पास सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो होनी चाहिए। तो मैंने बड़े इजी वे के साथ इंटरनेट से जो है वो ईज़िली एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो डाउनलोड, जो इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरीके की मेरे पास जो इमेजेस हैं वो अवेलेबल हैं। तो JPG फॉर्मेट आप ले सकते हैं, किसी भी डायमेंशन की जो इमेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इन सारी इमेजेस को मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ऐप आइकॉन के नीचे। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और फर्दर जो है डेवलपमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पर इमेजेस एज ए रिसोर्सेज मेरी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब आपने मेन रोड स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं येलो कलर का डॉट, इसको सिलेक्ट करना है, और आपने यहाँ से जो है नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसको जूम कम कर देता हूँ और इसको पैरेलल लेके आता हूँ अपने व्यू कंट्रोलर के सामने। चलिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो एम्बेड हो चुका है मेरे व्यू कंट्रोलर के साथ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके टाइटल के अंदर एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे टाइटल में आपको कोई भी आप एप्लीकेशन के रिलेटेड नेम जो है वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, चलिए एंटर प्रेस करते हैं। अब आपने इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू एक कलेक्शन व्यू को यहाँ पे सर्च करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो मैं इसे स्टोरी बोर्ड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो कलेक्शन व्यू है वो मेरे मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड कर देता हूँ, चारों साइडों पर 000, और इसे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो कर देते हैं। अब हमने साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इस कलेक्शन व्यू के जो सेल का साइज़ है वो आपने रखना है 200, विड्थ 250 इसकी हाइट, और मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए 5 लाइंस के लिए 5,
टॉप सेक्शन इनसेट आपने 5 करना है और लेफ्ट जो सेक्शन इनसेट है वो भी आपने करना है 5। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कर दें। अब आपने कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल रख देता हूँ नेम। मैंने यहाँ पे सेल क्यों लिया, क्योंकि मैं नेम कोई भी यहाँ पे ले सकता हूँ, बस इसी नेम को हमने कोडिंग के अंदर जो है एज ए रेफरेंस के लिए, कलेक्शन व्यू के सेल की रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। तो जो नेम आप आइडेंटिफायर का यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो जब कोडिंग करेंगे तब मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूंगा। अब लाइब्रेरी के थ्रू हम एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्योंकि एक्ट्रेस की इमेज जो है वो सेल के अंदर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इस इमेज व्यू को कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो है वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो करेंगे। अब अपने साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो विड्थ है इस इमेज व्यू की वो सेट करनी है 200 करेंगे, हाइट 175 करेंगे और इसे प्रॉपरली जो है वो अलाइन करेंगे सेल के अंदर। अब आप एक इमेज जो है बाय डिफॉल्ट लगा के देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी इमेज आप लगा के देख सकते हैं। इस इमेज का आपने जो कंटेंट मोड है वो आपने करना है स्केल टू फिल, ताकि पूरी के पूरी जो इमेज व्यू को ये जो पर्टिकुलर इमेज है वो कवर अप कर पाए। अब लाइब्रेरी के थ्रू आपने एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको भी जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं, साइड्स में इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप सेंटर में कर दीजिए। जो इसका फॉन्ट है वो आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं स्टाइल के थ्रू। कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ और यहाँ पे नेम जो है आप बाय डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं दीपिका। बाकी आप कोडिंग के थ्रू हम जो है वो यहाँ पे नेम जो है वो पिक करके डिस्प्ले करवाएंगे। अब हमने इस इमेज व्यू और इस लेबल के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट, और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो कर देते हैं। और इसी तरीके से लेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी कंस्ट्रेंट्स टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और इसकी जो हाइट है वो आपने करनी है 25 और ऐड एज ए कंस्ट्रेंट्स आप जो है वो अप्लाई कर दें। अब हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा, इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए हमने एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि हम इमेज व्यू और लेबल का जो आईबी आउटलेट है उस पर्टिकुलर कस्टम क्लास के अंदर जो है वो बना पाएं। तो उसके लिए क्लास यहाँ पे ऐड करते हैं, न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और क्लास का जो नेम है आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए अब हमने इस क्लास को तो क्रिएट कर दिया है, अब हमने जो अपने आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो उससे पहले मेन डोर स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, सेल को सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास हमने कस्टम क्रिएट की है उसका नेम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही नेम यहाँ पे लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे क्लास का नेम आ चुका है, एंटर प्रेस करेंगे। और अब आपने यहाँ पे इसको एक बार सेव करना है और सेव कर दिया है आपने। और अब आपने इस इमेज व्यू और इस लेबल का जो आई बी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, इनको हम यूज़ करेंगे असिस्टेंट एडिटर में। जो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो आई बी आउटलेट्स क्रिएट करना वो काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले इस व्यू कंट्रोलर के अंदर ही इस कलेक्शन व्यू का आई बी आउटलेट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। कंट्रोल की को प्रेस करूँगा, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पर नेम जो है वो प्रोवाइड करूँगा माई कलेक्शन और इसे ऐड कनेक्ट कर देते हैं। और मेरा जो यहाँ पे आई बी आउटलेट जो कलेक्शन व्यू का है वो बन चुका है।
अब हम ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास हमने कस्टम क्रिएट की थी उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू, और इसके अंदर हम इस इमेज व्यू का सेल को एक्सपेंड करके इस इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नेम प्रोवाइड करेंगे माई इमेज। और इसी तरीके से आपने लेबल का भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे, और इसका नेम आपने कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ माई लेबल और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट्स मेरे जो है वो बन चुके हैं। अब मैं इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है वो भी सेट करके आपको बता देता हूँ। कंट्रोल की को प्रेस करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो मेरा व्यू कंट्रोलर था उसके ऊपर, सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और अब आपने करना है डेलीगेट। तो चलिए डेटा सोर्स और डेलीगेट भी जो है वो सेट हो चुके हैं। स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। अब हमारा मेन जो काम है वो है एक डेटा सोर्स क्रिएट करना जिसको हम कलेक्शन व्यू के साथ जो है वो अटैच कर पाएँ और डेटा को प्रॉपरली रो कॉलम वाइज जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ कलेक्शन व्यू के अंदर। तो उसके लिए एक क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक फाइल क्रिएट करते हैं, स्विफ्ट फाइल होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्ट्रेस डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है एक्ट्रेस डेटा नाम की, और उसके अंदर दो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, पहला होगा एक्ट्रेस नेम स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा होगा एक्ट्रेस इमेज, वो भी हमने एज ए स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करनी है। अब हम यहाँ पे इनिशियलाइजर यूज़ करेंगे और उसको पैरामीटर पास करेंगे ए नेम, कहने का मतलब एक्ट्रेस नेम, ए इमेज कहने का मतलब एक्ट्रेस इमेज, और अब हम अपने जो एक्चुअल एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू सेट करेंगे इन पैरामीटर्स के थ्रू। एक्ट्रेस इमेज इक्वल टू ए इमेज, एक्ट्रेस नेम इक्वल टू ए नेम। चलिए इस तरीके की जो क्लास है वो हमने क्रिएट कर दी है। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और अब हमने जो अपना व्यू कंट्रोलर है उसके अंदर इस जो क्लास हमने यहाँ पे कस्टम क्लास क्रिएट की, इसका जो एरे है ऑब्जेक्ट्स की एरे जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो है वो डेटा फिल करवाएंगे। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। और यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल एक्ट्रेस लिस्ट नाम की एक एरे होगी, किस टाइप की होगी, जो हमने एक्ट्रेस डेटा एरे क्लास क्रिएट की है उस टाइप की एक ब्लैंक एरे होगी। अब हमने इस ब्लैंक एरे के अंदर डेटा फिल करना है, तो उसके लिए एक यहाँ पे मैं एक सेपरेट जो मेथड है वो क्रिएट कर देता हूँ, सबसे पहले प्राइवेट फंक्शन और फिल डेटा इसका नेम होगा, और इसके अंदर एक मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताऊँगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं और उनको अपेंड करते जाएंगे एक्ट्रेस लिस्ट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैं जो मेरी फोल्डर था यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको कुछ इस तरीके से ताकि नेम मुझे दिखते रहे यहाँ पे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपने इस तरीके से क्रिएट करना है एक्ट्रेस वन, और कहाँ से आएगा एक्ट्रेस डेटा से, और यहाँ पर नेम प्रोवाइड करेंगे हम, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर है एक दीपिका पादुकोण जो है उसका मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे दीपिका पादुकोण, और यहाँ पे उसकी इमेज का जो नेम है वो आपने सेम नेम लिखना है जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है विदाउट एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीपिका, और चलिए इस ऑब्जेक्ट को हम अपेंड करते हैं अपनी एक्ट्रेस लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से आपने हर एक एक्ट्रेस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करते जाना है और उसको अपेंड करते जाना है जो हमारी एक्ट्रेस लिस्ट वाली जो एरे थी उसके अंदर। तो मैंने जो कोड है वो पहले से ही लिख के रखा हुआ है ताकि
यहाँ पे थोड़ा टाइम हमारा जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कोड को। तो चलिए कमांड वी के थ्रू यहाँ पे मैं अपना सारा का सारा कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ इस तरीके से जो नेम्स हैं वो लिए हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको। 10th ऑब्जेक्ट भी मैंने इसी तरीके से सोनम कपूर का जो है वो अपेंड किया है एक्टर्स लिस्ट के अंदर। तो चलिए इस यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एक्टर्स लिस्ट यहाँ पे डबल कर देते हैं एक्टर्स। चलिए अब इसको एक बार सेव करते हैं। अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एक्ट्रेस के अंदर एक एस कम लगाया था और यहाँ पे पुराने कोड के अंदर मैंने डबल एस जो है वो यूज़ किया था। अब इस फिल डेटा को हमने जो हमारी व्यू डिड लोड वाला मेथड है इसके अंदर कॉल करना है। तो चलिए इसके अंदर मैंने कॉल कर दिया है। अब हमने यहाँ पे और भी कोडिंग जो है वो करनी है कंटिन्यू। तो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे बूलियन टाइप का सर्चिंग नाम का, इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स करेंगे। ये बेसिकली मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जब भी यूज़र जो है वो सर्च बार के अंदर कोई भी टेक्स्ट को सर्च करेगा तब हम फाइंड आउट करने के लिए कि सर्चिंग चल रही है या नहीं चल रही, तो इस बूलियन वेरिएबल को ट्रू और फॉल्स करते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे एक एरे ब्लैंक और लेनी है और यूज़ करनी है सर्च्ड एक्ट्रेस नाम की, और यहाँ पे ये किस टाइप की होगी एक्ट्रेस डेटा टाइप की होगी, इसको भी एज ए ब्लैंक जो है हम यूज़ करेंगे क्योंकि जो फुल हमारी एरे है फुल डेटा इसमें है और जो सर्च्ड डेटा होगा जो फिल्टर्ड डेटा होगा वो हम सर्च्ड एक्ट्रेस एरे के अंदर टेम्परेरी जो है वो स्टोर करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक सर्च कंट्रोलर जो है वो यूज़ करना है, सर्च वाली फैसिलिटी जो है वो एम्बेड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे हम लेंगे सर्च कंट्रोलर और इसका कौन सा हम कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे थर्ड नंबर वाला, और इसको नील पास करेंगे क्योंकि जब भी आप जो फिल्टर्ड डेटा है अगर उसको आप सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे नील पास करना पड़ेगा। अगर आप उसको किसी डिफरेंट व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब हम यहाँ पे नील की जगह पे उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो क्लास का जो नेम है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए हम सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो सर्च्ड डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे निल यूज़ किया। अब इस सर्च कंट्रोलर को हमने कॉन्फ़िगर करना है तो उसको उसी तरीके से यहाँ पे एक फिर से एक सेपरेट मेथड जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। ये मेरा कस्टम मेथड है, मैंने खुद ये क्रिएट करना है। यहाँ पे सर्च कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, सबसे पहले लोड व्यू इफ़ नीडेड इसको कॉल करेंगे। अब हमने सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसका जो डेलीगेट और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पे सेट करने हैं। यहाँ पे सर्च रिजल्ट अपडेटर जो हमारा यहाँ पे इसको सेल्फ करेंगे। अब हमने सर्च कंट्रोलर के थ्रू हमारा जो सर्च बार है उसका जो डेलीगेट है उसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे। अभी हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ नहीं किया तो ये अभी हमें एरर डिस्प्ले करवाएगा, मगर जैसे ही हम प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करेंगे तब ये एरर अपने आप जो है वो रिमूव होगी। अब हमने सर्च कंट्रोलर के साथ जो ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन वाली प्रॉपर्टी है इसको फॉल्स करना है ताकि सर्च करने के टाइम जो बैकग्राउंड व्यू कंट्रोलर है उसकी जो लाइट है वो डिम ना हो, उसका कंट्रास्ट जो है वो बना रहे। सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली इसको भी हमने फॉल्स करना है क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न की जो है वो डन यूज़ करनी, डन बटन को हमने यूज़ करना है। बाय डिफॉल्ट सर्च बटन होता है तो हमने खुद यहाँ पे सर्च बार के अंदर जो डन बटन है वो एम्बेड करना है। तो रिटर्न टाइप की यहाँ पे देंगे UI रिटर्न टाइप की डॉट डन। चलिए अब हमने यहाँ पे नेविगेशन आइटम के साथ जो सर्च कंट्रोलर है उसको अपने सर्च कंट्रोलर के साथ जो है वो अटैच करना है। अब हमने सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रोलिंग इसको फॉल्स करना है ताकि जैसे हम
डेटा को स्क्रॉल करें तो सर्च बार जो है वो हाइड नहीं होनी चाहिए, वो परमानेंट रहनी चाहिए। और अब हमने डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट इसको ट्रू करना है ताकि सर्च बार प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसकी जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है उसमें यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है, और यहाँ पे लिखेंगे सर्च एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस बाय नेम। चलिए अब इसको एक बार सेव करते हैं। अब यहाँ पे जो एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक प्रोटोकॉल उसको यूज़ नहीं किया, इसीलिए एरर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए अब हम एक्सटेंशन के थ्रू जो है प्रोटोकॉल्स को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स का हम यूज़ करेंगे तो उनको कन्फर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अब यूज़ करूँगा प्रोटोकॉल्स। तो चलिए यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। अब आपने यहाँ पे लिखना है व्यू कंट्रोलर। अब हमने यहाँ पे फोर प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल और यूआई सर्च बार डेलीगेट। और अब आपको यहाँ पे पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कन्फर्म करने के लिए आपको कंपलसरी मेथड्स जो हैं वो यहाँ पे कोड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो यहाँ पे उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। तो सबसे पहले हमने जो मेथड कोड करना है वो करना है नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ सर्चिंग, अगर तो सर्चिंग चल रही है तब हम यहाँ पे इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाएंगे, नहीं तो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो है वो कोड लिखेंगे। अगर सर्चिंग चल रही है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सर्च्ड एक्ट्रेस वाली जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसकी काउंटिंग, नहीं तो हम यहाँ पे फुल डेटा जो है एक्ट्रेस लिस्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे उसकी काउंटिंग जो है वो रिटर्न करेंगे। तो ये है हमारा पहला मेथड, नंबर ऑफ आइटम सेक्शंस के अंदर कितनी होनी चाहिए। अब हमने सेल्फ और आइटम एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है ये कोड करना है। और हम अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हर एक सेल को हमने किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे कोड लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन डॉट डी क्यू, रिड्यूसेबल सेल को कॉल करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम सेल, इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू जो हमारी कस्टम क्लास थी उसके अंदर। तो यहाँ पे सेल मैंने क्यों यूज़ किया तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जो नेम हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर का लिखा है सेम नेम हमें कोडिंग के अंदर एज ए रेफरेंस के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो व्यू कंट्रोलर के अंदर हमने सेम नेम जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है सेल का। अब हम उसी तरीके से कोड लिखेंगे कि अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे ब्लॉक जो कोडिंग का जो इफ़ रहेगा, अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो एल्स वाला रहेगा। तो अगर तो सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम सेल के थ्रू उसकी इमेज को सेट करेंगे, डेटा कहाँ से आएगा यूआई इमेज से, नेम्ड पैरामीटर, और यहाँ पे एरे कौन सी हम यूज़ करेंगे सर्च्ड एक्ट्रेस वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसको, इंडेक्स पार डॉट रो डॉट उसके थ्रू हम यूज़ करेंगे एक्ट्रेस की इमेज, और सेल माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेटा कहाँ से आएगा उसी तरीके से सर्च्ड एक्ट्रेस वाली एरे में से आएगा, इंडेक्स पार डॉट रो और उसके थ्रू एक्ट्रेस नेम। अब हमने इसी कोड को कॉपी करना है कमांड सी के थ्रू, इसे एल्स के अंदर जो है वो पेस्ट करना है, और जो एरे का नेम है वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब हम फुल एरे जो है वो यूज़ करेंगे एक्ट्रेस लिस्ट वाली, क्योंकि सर्चिंग अब एल्स के अंदर जो है वो नहीं चल रही एक्ट्रेस लिस्ट। बस आपने इतना सा करना है और यहाँ पे लास्ट में आपने सेल को जो है वो रिटर्न करना है। और रिटर्न करने से पहले हम चाहते हैं कि जो हमारे सेल है उसके साइड्स में जो है वो हम बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ कलेक्शन व्यू के अंदर। तो उसके लिए सेल के अंदर लेयर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर विड्थ को यूज़ बॉर्डर कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूआई कलर डॉट रेड डॉट सीजी कलर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने सेल के लेयर के थ्रू उसकी बॉर्डर की जो विड्थ है वो यहाँ पे डिफाइन करनी है 0.5। चलिए इससे हमें
हर एक सेल के चारों साइडों पे एक बॉर्डर जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो नज़र आएगा। अब हमने अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का जो मेथड है इसको कोड करना है, तो ये तब तक एग्जीक्यूट होगा कोड जब जब हम जो है वो सर्च बार के अंदर कुछ डेटा को सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यही मेथड है जो हमें एग्जीक्यूट करके रिजल्ट जो है वो फिल्टर्ड रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट सर्च टेक्स्ट, कहाँ से आएगा, सर्चिंग के लिए जो डेटा है सर्च कंट्रोलर के सर्च बार में से जो टेक्स्ट है उसको हम अनरैप करेंगे फोर्सली। अब हम देखेंगे क्या हमारा जो सर्च टेक्स्ट है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है तो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, अगर हम कुछ भी सर्च नहीं कर रहे तब एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले एल्स वाला ब्लॉक ही हम जो है कोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सर्चिंग हमारी फॉल्स है, जो सर्च एक्टर्स वाली एरे है उसमें से सारा डेटा जो है रिमूव करेंगे, और हमारी सर्च एक्टर्स वाली एरे में अब जो हमारा फुल डेटा है वो जो है वो हम फिल करेंगे एक्टर्स लिस्ट। लास्ट में माई कलेक्शन को जो है हम रीलोड करेंगे डेटा को, और अगर तो हमारा जो सर्च के लिए जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी नहीं है तो हम इफ़ वाली स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कोड लिखेंगे। सबसे पहले सर्चिंग जो है उसको ट्रू करेंगे। अब हमने जो सर्च एक्टर्स में पुराना डेटा पड़ा हुआ है पुरानी सर्च का उसको रिमूव करेंगे, फॉर लूप को यूज़ करेंगे, हर एक एक्टर को चेक करेंगे एक्टर्स लिस्ट के अंदर, और उसके नेम को मैच करवाएंगे जो नेम हमने सर्च करने के लिए टाइप किया है उसके साथ। इफ़ एक्टर डॉट एक्ट्रेस नेम डॉट लोड केस डॉट कंटेन्स सर्च टेक्स्ट डॉट लोड केस, इसके साथ अगर उसके अंदर हमें कोई भी जो हम सर्च कर रहे हैं टेक्स्ट वो हमारे पर्टिकुलर एक्ट्रेस के नेम के अंदर मैच करता है तो हम उस पर्टिकुलर एक्टर को जो है वो यहाँ पे सर्च एक्ट्रेस के अंदर अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्टर की जगह पे हम एक्ट्रेस कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेटर लगेगा आपके लिए। चलिए अब हमने इस तरीके से जो है वो डेटा को अपेंड करते जाना है जो जो डेटा हमारे सर्च टेक्स्ट के साथ जो है वो मैच करता है। तो अब हमने एक लास्ट मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है कि जब भी हम सर्च बार के अंदर जो कैंसिल बटन है उसके ऊपर क्लिक करें तब हमारे पास क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कोड करेंगे मेथड सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड एट, इस तरीके का मेथड है। इसके अंदर हम करेंगे सर्चिंग, इसको करेंगे फॉल्स, सर्च एक्टर्स को करेंगे रिमूव ऑल, और यहाँ पे अब हमने माई कलेक्शन को जो है करना है रीलोड डेटा। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे हमने कोडिंग जो है वो कर दी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की कोडिंग है हमारी अपडेट सर्च रिजल्ट्स की, और जो कोडिंग है कैंसिल वाले बटन की वो कुछ इस तरीके की है, और ऊपर हमने कलेक्शन व्यू के जो प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो हमने कोड कर दी हैं। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं क्या यह प्रॉपरली वर्क कर पाती है सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप हमारी यहाँ पे विदाउट एरर जो है वो सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब देखते हैं क्या यह प्रॉपरली वर्क कर पाती है सिमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे जो सर्च बार है ऊपर डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि हमने कॉन्फिगर वाला जो मेथड था इसको हमने कॉल ही नहीं किया। इसको कॉल करने के लिए कॉपी करते हैं और इसे फिल डेटा के बाद जो है वो पेस्ट कर देते हैं। अब हमारी सर्च बार जो है वो डिस्प्ले हो पाएगी। इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ और अब आउटपुट हमारी देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रोलिंग बिल्कुल सही है, डेटा भी बिल्कुल डिस्प्ले प्रॉपरली हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्ट्रेस को सर्च करता हूँ कृति, यहाँ पे देखिए तो ये प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। डन बटन भी यहाँ पे आ चुका है सर्च बटन की जगह पे, इसको मैं टॉगल जो है ऑफ कर देता हूँ। अब मैं कोई और सर्च करके देखता हूँ, बिल्कुल ठीक है जैकलिन, बिल्कुल ठीक है। तो सर्चिंग भी यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो निकल के आ चुकी है और यहाँ पे वर्क कर रही है हमारी एग्जांपल। कैंसिल पे क्लिक अगर मैं करता हूँ तो सारे का सारा डेटा फिर से डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इस तरीके से आप यूआई सर्च कंट्रोलर को
एज ए सर्चिंग इंटरफेस के लिए एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने कलेक्शन व्यू को सर्च कंट्रोलर के साथ यूज़ किया। आप चाहें तो टेबल व्यू को भी जो है सर्च कंट्रोलर के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल व्यू के रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी आप एक बार ज़रूर फॉलो कर लें। चैनल पे अगर आपको कुछ नॉलेज गेन हुई है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें पहुंच पाए और आप प्रैक्टिस करके उसके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और लाइक करना वीडियो को मत भूलिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।